नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर वार्ड नंबर 11 पार्षद प्रतिनिधि मुस्तफा खान ने अलग अलग दो ज्ञापन जिलाधिकारी ललितपुर को दिए और बताया है कि जनपद ललितपुर के समस्त वार्डों में हैंडपंप की मरम्मत कराई जाए, जिससे वार्डवासियों को पानी की समस्या से न जूझना पड़े। खराब हैंडपंप की वजह से नगर वासियों को दो चार होना पड़ रहा है, जबकि खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत के लिए नगर पालिका द्वारा पैसा भी भिजवा दिया गया है, उसके बाद भी हैंडपंपों की मरम्मत नहीं की जा रही है। वहीं हैंडपंप की मरम्मत करने वाले मजदूरों की माने तो उन्हें मजदूरी नहीं दी गई है। वहीं जब ठंड के मौसम में पानी की किल्लत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है तो ये सोचने वाली बात होगी कि गर्मी के मौसम में क्या होगा। दूसरे ज्ञापन में बताया है कि गोविंद सागर बांध की छोटी नहर की सफाई नहर खुलने से पहले की गई थी, लेकिन उसका मलबा अभी तक नहीं उठाया गया, जिसे नहर के बगल में ही डाला गया था, जिससे काफी गंदगी फैली हुई है। उसे भी तत्काल हटाए जाने की मांग पार्षद प्रतिनिधि ने की है। क्या मामला है? वार्ड नंबर 11 सिविल लाइन थर्ड के पार्षद हैं। क्या है मामला? वार्ड में हैंडपंप खराब है और ये इधर का मलबा निकला हुआ है, नहर का मलबा निकला हुआ है। ना वो मलबा उठा रहे हैं ना हैंडपंप सही हो रहे हैं, और हैंडपंप के लिए नगर पालिका पैसा दे चुकी है, ना मजदूरों के पैसे मिल रहे हैं, वो हड़ताल कर देते हैं। कई महीनों से हैंडपंप खराब है। कहाँ शिकायत की है आपने पहले? और पहले वहीं जल संस्थान में की, जल संस्थान पर कई बार शिकायत कर चुके, कई बार और नल लीकेज भी हैं, जो पाइप लाइन फटी हुई है कई जगह। और अब DM साहब क्या कहता है, संबंधित विभाग क्या कहता है कार्रवाई करने के? पैसे नहीं है, यही कहता, पैसा नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, पैसा नहीं है। जबकि नगर पालिका ने पैसा दिया है, नगर पालिका में भी लेटर दे चुके हैं, नगर पालिका के माध्यम से भी लेटर गए हैं सारे पार्षदों के, वार्ड के पार्षद हैं। और अब क्या मामला है? हम वार्ड नंबर 24 के पार्षद धर्मेंद्र श्रीवास्तव। समस्त वार्डों में ये समस्या है कि हैंडपंप सही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई बार लिखित में वो मौखिक जानकारी दे चुके हैं विभाग को, विभाग संबंधित विभाग बजट के अभाव की वजह से मना कर देता है, वहाँ बजट नहीं है, क्योंकि लेबर भी वहाँ की परेशान है, उनको भी सामान किराया वो नहीं मिल रहा है, ऐसे ही का इसमें संबंधित विभाग क्या कहता है और पैसे की क्यों कमी पड़ रही है, क्या है मामला? हरदम उनका कोई सिस्टम समझ में नहीं आता है, वो हरदम ही अपनी बात टाल देते हैं, हमारे यहाँ बजट नहीं है, जबकि नगर पालिका कई बार में पैसे दे चुकी है और वहाँ की जो लेबर है उसको भी पैसा नहीं मिल रहा है। उनका मानते है वो भी कई महीनों से रुका हुआ है, कई बार वो हड़ताल कर चुके हैं, कई बार उनकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको पैसा नहीं मिले, इसलिए वो भी काम नहीं कर रहे हैं।